गाइज पार्थ ग्रुप आर्ट्स अज्ञान पर आप सभी का वेलकम है। आज हम आए हैं शीतला माता मंदिर में, जो कि राजस्थान के जयपुर जिले के पास में ही चाकसू में स्थित है। और यहाँ से अब हम प्रसाद लेंगे, शीतला माता के अंदर जाएंगे। वहाँ पे यहाँ पे 5 मूवी की शूटिंग भी हुई थी, वो आपको आगे जाके दिखाने वाले हैं सब कुछ। गाइज हमने प्रसाद लेने के बाद अब यहाँ पे आ सके हैं। अब यहाँ पे ये सामने सीढ़ियाँ हैं, ये सामने ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं, और यहाँ पे आप दुकान से प्रसाद ले सकते हैं। ये इधर सामने इस तरह की लोकेशन है, और साथ साथ में माला भी ले सकते हैं। हमने माला भी ले चुके हैं, ये जो भैया माला लेके खड़े हैं, हमने प्रसाद ले लिया है। और अब यहाँ जी मिलती है, मुझे समझाओ क्या कर रहे हो, ये कैसे क्या सिस्टम है? माँ जी ठंडी पेड़ी करा ना, आज 10-5 रुपए दे वो। ठंडी पेड़ी क्या होता है, कैसे करें? तू कर ले, ये कर ले, पानी गिराना है। बहुत तेज हो रहा है हम डालते हैं वही। गाइस जब ऊपर जा रहे हैं हम सीढ़ियों से होके, माय नेम इज विकास मीणा, आई एम कॉमेडियन। नीचे लिख रखे थे, अभी ये यहां से भी दिखाओ। गए जी सामने की तरफ धर्मशाला बनी हुई है। जब शीतला माता मंदिर का जब मेला लगता है तो जो कि यहाँ पे यात्री आते हैं इस धर्मशाला में रुक भी सकते हैं। और यहाँ से सामने ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रहे हैं। अब ऊपर की तरफ हम पहुँच चुके हैं, सामने शीतला माता का एक स्केच बन रहा है दीवार पे। देखो भाई शीतला माता का स्केच है, सिर्फ इस महिलाएं जाएगी इस लाइन से, इस लाइन से पुरुष जाएंगे और छोटे वाले पुरुष वाले बच्चे जाएंगे। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं मंदिर में माता के लिए। ये मेरे साथ में ही है ये भैया है जो, और इधर सामने की तरफ है जो बोधरी माता का मंदिर बना हुआ छोटा सा, आप जो सामने देख रहे हैं। और यहाँ से देखने पर चाकसू का कुछ इस तरह का व्यू आता है। चाकसू वैसे तो काफ़ी एरिया में फैला हुआ है जैसे आप देख पा रहे हैं, और ये ऊंचाई से देखने पर बहुत अच्छा व्यू लग रहा है चाकसू का, ये देख रहे हो। यहाँ पे एक छोटी सी हनुमान जी की प्रतिमा भी लगी हुई है, अभी यहाँ पे हम हाथ जोड़ देते हैं। विकास भैया ने माला चढ़ा दी है माता के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो अपना YouTube पर मन्नत मांग रहा है कि चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। ये नया पुजारी है भाई साहब, ये हमारी माता है शीतला माता। अब इसके लगाएंगे हम चक्कर, परिक्रमा सॉरी माय मिस्टेक गाइस। ओ ये शानदार व्यू है, तो आपने कहीं ना कहीं ये सीन देखा होगा मूवीज में। यदि आप ओल्ड मूवीज देखते हो तो यहाँ शूटिंग हुई हुई है, या कौन सी मूवी शूटिंग हुई है? ड्रमकाटा बंजारा इस जगह कौन सी होती है मुझे पता तो नहीं, लेकिन इस जगह आप ये सीन देखा होगा इस जगह। और ये भी देख सकते हो आप, बहुत ही शानदार नजारा है। पीछे से भी दिखा देता हूँ एक बार मैं, सॉरी ऐसे अच्छा। और ये देख सकते हो ये मार्च का महीने चल रहा है, तो इस टाइम और इधर देखो पानी की समस्या नहीं है, तो यहाँ पे हर खेत में गेहूँ है और सरसों तो इनकी कटाई हो गई देख सकते हो आप। और अपना यूट्यूबर किधर गया? और साथ में हमारे साथ आए सुमित सर, और एक आए दिनेश जी, और ये है भैया जो यूट्यूब का संचालक है, मैं तो डायरेक्टर हूँ। और प्रक्रिया में लगा दी भाई? हाँ, हमने नहीं लगा। कितने दिनों पहले बना ये? पहले राजा मान सिंह जी हुआ था जयपुर के अंदर, तो उसकी टाइम में ये माता माई प्रकाश भी थी। हाँ बताओ आप तो कैसे ली थी अखबार भाई गए? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं बताता हूँ पूरी बात। हाँ फोन पे आएगी, ये वीडियो आएगी यूट्यूब पे आपकी। हाँ तो क्या हुआ था कि ये गुड्डी आई थी। हाँ ये माता माई एक डोकरी का रूप में आई थी। अच्छा तो डोकरी माता ने क्या किया, बूढ़ी के रूप में आके इस गांव में रही। हाँ इस गांव में रही तो किसी से जाके कि भाई मेरी सेवा कर दो, मेरी बस की बात नहीं है जी। तो वो ने उसको गाली आली बग्गी, उसके ऊपर पानी गिर दिया। हाँ माता माई के ऊपर, शीतला माता के नाम। अच्छा पानी गिर दिया तो बुड़स गई, यही बात है ना भाई सत्य? यही बात बुड़स गई भाई साहब। हाँ बुड़स गई तो वो एक दूसरी आई, कुमारी आई फिर। अच्छा लेडीज आई दूसरी,
ये तो कोई और, वो तो कोई और समाज की थी जो पानी फेंकी थी। हाँ। और फिर कुमारी आई, जो कुमारी आके बोली माता थी क्या, बोले मेरा जल रहा है शरीर, भाई मेरे ऊपर पानी डाल दी। फिर कुमारी माई ने उसके ऊपर गढ़ाई गढ़ा पानी डाला शीतला माता के ऊपर, शीतला माता। हाँ। तो फिर उसको शांति मिली। अच्छा, शांति मिली तो कुमारी भाई को क्या कहती है, कह बहन मैं तेरे ऊपर खुश हूँ, तेरी डोंगरी ऊपर ये पत्थर बेड़ा कर ले, मैं पत्थर में प्रवेश लेंगे। अच्छा, मैं पत्थर में प्रवेश लेंगी और मैं शीतला के नाम से पूजाऊंगी, मेरी यहाँ तू पूजा कर देना। अच्छा, शीतला के नाम से पूजी जाएगी। हाँ, शीतला के नाम से भविष्य में। हाँ। ये पूर्व जमानों की बात है। तो ये वो कुमारी ऐसा ही कर, अच्छा कहीं आप पत्थर में निकला, ये पत्थर वो ऐसे कर, बोले मेरे को ये बुरसा थी दर्जा थी बोला है, और मेरे बहन एक काम ये हो रहा कि मेरे सिरा ही बोक चलेगा। हाँ। ये शीतला माता ऐसी बोली, कह मैं सत्यवाद भाई कब है सीढ़ा बो पूर्व जमाने के अंदर शीतला माता सीढ़ा, जैसे अब राखी के बाद में आएगा, नहीं सॉरी होली के बाद में। हाँ। मेला लगता है शीतलाष्टमी में आएगी चैत्र मास के अंदर। अच्छा, उसको मेरा मेला बड़ा देना। हाँ। और तू मेरी पूजा कर, तेरे को ऊपर वाले दे देंगे और मैं दे दूंगी तेरे को कुछ भी लेंगे। तो वो कुमारी माई इसकी पूजा करने लगी, पूजा करने लगी तो ये धीरे धीरे कुमारी माई पूजा करती रही और इसका ऐसा रिया बढ़ता रिया। तो जयपुर दरबार एक बड़ी आ गया। अच्छा, मान सिंह जी। हाँ। मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो भाई साहब मान सिंह जी आए तो अकेले बोले कुमारी डंग करती है। हाँ। भाई के पत्ते जला करती है पूजा के, सच्ची बात है भाई, पहला का टाइम मैं पूरा करने जानता हूँ, ये कुमारी झूठ है, ये जात्री बल्ला तेरे से डंग करती। तो बोला नहीं, कुमारी बोली हे महाराज साहब मैं पूजा करती हूँ और इसमें क्या। तो बोले ठीक है वो राजा महाराज साहब मान स्वाईमान सिंह, स्वाईमान सिंह जी क्या इस कुमारी भाई को तू ऐसे ही बोले तुम पकड़। तो ये माम भाई क्या करी वाणी सिंह जी के माऊंगा स्वाईमान सिंह, स्वाईमान सिंह जी के तो वहां जाके आर को से बिगड़ बसा दी। अच्छा, कोहड़ों के अंदर और फटक उठे। हाँ, भाई साहब कोहड़ों को राणियों को दासियों को फटक उठे भाई साहब, फटक उठे तो वहां बिगड़ बस गया तगड़ा तगड़ा बिगिन बच गया। तो किसी ज्योतिष को पूछा महाराज साहब ने, ज्योतिष को पूछने में बोला बोले ये क्या हो गया यार ज्योतिष में, बोले महाराज आपने बहुत अपराध कर दिया। बोले क्या कर दिया, बोला एक ऐसी माँ शक्ति माता शक्तिशाली विश्व में पहली माता शीतला, तो उसको आप कुमारी को बेइज्जती कर आए, उसको ऐसे बोल दी तुम पाखंड करते हो ऐसा हो जो तो उसके पास चल जाओ आप। तो वहीं माफी मांगो माता माई से, जब भी आपकी ये शुद्ध होगा और किसी के बाप के बीच की बात। तो महाराज साहब दूसरे दिन जो गौड़ा लेके आए, हाँ दोबारा आए स्वाईमान सिंह, दोबारा आए तो माता माई से क्षमा मांगी और इसके ऊपर कुमारी माई से क्षमा मांगी वो जो पूजा करती। हाँ। तो फिर मान सिंह जैसे बोला भाई शक्ति माता मेरे को है ना जो तू मेरे सब काम शुद्ध करते मैं तेरी धर्मशाला बनाऊंगा, सत्य बात भाई। हाँ गाय जी धर्मशाला भी बना रखी है इधर, ये मान सिंह जी स्वाईमान सिंह जी स्वाईमान सिंह ने ही बनाई है, ये बाबा बोल रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ पे पूर्वज है यहीं पे रहते हैं चाक सुके हैं। स्वाईमान सिंह जी ये बना दी और फिर ऐसी बोली ये चैत्र अष्टमी का दिन पहले भोग मेरा लगेगा तेरे माता, पहले भोग उसका आता भाई पहली भोग महाराज साहब का आता रात का 12 बजे भोग लगता। तो फिर महाराज साहब ये गुरु ये धर्मशाला बना गया, माफी मांगी उसके मामा ही क्षमा कर दी। ये मंदिर भी उन्होंने बनाया हुआ, मंदिर भी मंदिर तो आम जनता ने अच्छे जनता बनाए थे पहले तो चौथा। और यहाँ पे महिलाएं जो छोड़ के जाती है क्यों छोड़ के जाती है, कुछ क्लिप वगैरह या फिर रबड़ जो भी ना उसके लिए कुछ बांधने रहता है कुछ भी छोड़ने के जाते हैं। तो मैं क्या छोड़ के जाऊँ। अब यहाँ लगभग है ना लड़कियों मतलब ज्यादातर लड़कियां मन्नत मांगती है और लड़के जैसे कि आप देख पा रहे हैं लड़की का ये है क्लब वगैरह है लड़कियों के ही जो पहनते हैं कि मामा छोड़ जाओ मामा छोड़ देती कि बात है ये शक्ति है ना तो शक्ति ही छोड़ती है और क्या। अच्छा। ये भी शक्ति का रूप है, स्त्री होती है शक्ति है, पुरुष होता है शिव का रूप होता है। हाँ। माता माई का लक्की मेला पड़ता था। हाँ। तो वहाँ खूब मेला पड़ता था, तो शाम के टाइम में धनातने के बाद में यहाँ कोई पूजा नहीं रहता था भाई साहब, कोई भी नहीं रहते थे पहले 40 साल पहले की बात है। तो यहाँ कोई नहीं रहता था तो फिर शाम को क्या होता था कि इधर बढ़ है हमारी बुजुर्ग देखे हुए हैं। तो फिर रात को देवताओं का मेला पड़ता है भाई साहब आओ ना सही बात है नहीं। फिर रात को देवताओं का मेला पड़ता था तो जैसे धनवंतरी का मेला पड़ता था रात को देवताओं का मेला देवताओं का। तो ये बहुत अच्छा पवित्र स्थान है पूर्व से भी है अभी भी होता है कि अब नहीं
40 साल पहले, अब तो आधा सा बाजार दुकानदार रहते हैं। अच्छा, अब तो कोई नहीं मानता, और इसके बराबर विश्व में कोई शक्ति नहीं है। अभी 2 साल पहले की बात बता दी, चल रहे थे इसको और बता देता हूँ। कहीं माता मैं कि कमाने लग गई थी लोग बुझा कर लेते, गवर्नमेंट ऐसे बोलती थी तो बीमारी होती है, बीमारी होती है, सूद की बीमारी बता देते इसको। तो माता भाई ने सोचा अपने बूढ़े ही लोग, तो इसने एकदम और 2 साल पहले पर्चा देखा है तो पूरी गायों के अंदर फल कर दी इसने, बीमारी फैलाई थी ना आपको। गाय के अंदर में मरने लग गई थी, गाय मरने लगी थी सब, तो डॉक्टर आने लग गई। इसी माता ने फैलाई थी क्या? यही माता शीतला माता, सही भी इन्होंने किया दे बता रहा हूँ आपको। फिर कई देवता और डॉक्टर फेल हो गए, तो किसी अच्छे देवता ने बताया, बोले किसी की भी बात नहीं, शीतला माता के पेड़ पर जाओ तुम जाके और उसका सुपड़ा वाला लेके लगाओ। डॉक्टर ने भी यही बताया कि भाई सुपड़ा वाला लेके लगाओ, या मेरी बस की बात नहीं, खुद डॉक्टर भी यहाँ सुपड़ा वाले गए, तो सुपड़ा वाले जाके लगाए, तो डॉक्टर जिसका इलाज कराया वो गाय तो मरी। क्या बताया? सुपड़ा, सुपड़ा यहाँ, सुपड़ क्या होता है? सुपड़ा जल लेते हैं, जल से इसको नुहाते हैं, जल फिर अच्छा जल से नुहा के फिर वो वाला पानी उसको सुपड़ा बोलते हैं, तो उसका फिर पानी का छीटा मार देते हैं उसको शरीर पर, तो फिर गाय पूरी बिल्कुल ठीक। अच्छा अच्छा, पूरे विश्व में अब मेला बनने लगा है इसका। हाँ ये भी बताया ना, होली के बाद में बताया, होली के बाद नहीं, अब हमेशा के लिए चल गए, अब पैदल यात्रा चालू हो गई। क्यों? वो फलक माता आई थी ना, भाई साहब खूब नाम सुने वैसे शीतला माता का तुमने, तो ये विश्व में पहली माता है शक्ति, ये किसी माती, और ये सब देवियां सब में बड़ी देवी है, सबसे बड़ी देवी याद है पूरी देवियों में। सही सही बात बताओ ना भाई साहब चौधरी, हाँ जी काफी एज जनाब की, तो आपको पता हो काफी एज हो गई आपकी, काफी पता होगा आपको, तो हो गई मेरे बुजुर्गों के से मैं सुना हूं, मेरे बुजुर्ग पहले से सुनते अपने दादा से दादी से ऐसे सुना, पहले बड़ा आदमी जाने उनके मां की बाटा से। अब कह रहे से तो मैं तो आलता ही 66 साल का हूं, कोई ज्यादा बड़ा नहीं। अच्छा अच्छा, दादी की उम्र की हो गई दादी। हां अब बता मेरे को जारी अच्छे लग रहे कतई है, कतई जो है, तो मैं सत्य बात बता रहा हूं, मैं गणित की बात देखा हूं भाई। मेरा नाम भोरलाल गुजरे, ग्राम मानपुर डूंगरिया रहने वाला हूँ, नेट पर करा देना बोला। ठीक है, थैंक यू सो मच बाबा के लिए। गाइज आप ये जो देख रहे हैं सामने शीतला माता के जो पास में धर्मशाला है जय माता दी, यहाँ पे भी मूवी की शूटिंग हुई थी, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इसको आपका अंदर से दिखाते हैं, यहाँ पे मूवी की शूटिंग हुई थी। बात करिए, कुछ चाहिए ना रोपण माया।